हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, भारत का संविधान चल रहा है, उसके अंदर का नेक्स्ट चैप्टर जो किससे रिलेटेड होएगा, हमारे महान्यायवादी से रिलेटेड होएगा। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे महान्यायवादी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं, जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन सब का डिस्कशन आज हम करेंगे, ठीक है। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाने का कोशिश करें ताकि सभी को फ्री में जितना से ज़्यादा अच्छा कंटेंट हो सके मिल सके। और कोई सलाह भी अगर हमारे लिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और महान्यायवादी हिंदी में। अब इसके बारे में देख लेते हैं, महान्यायवादी होता है क्या होता है, यह सरकार का सलाहकार होता है, सरकार का सलाहकार, कानूनी सलाहकार, सरकार का कानूनी सलाहकार, या कह दें हम विधि अधिकारी, क्या विधि विधि अधिकारी यह होता है क्या, महान्यायवादी, जो सरकार को या देश के लिए जो कानूनी तौर पर सही होता है उसके बारे में सलाह देता है, उसके बारे में सजेस्ट करता है, यह कौन करता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी हमारे देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी होता है, ठीक है, यह इसके बारे में रहा। अब इसकी इसके देखते हैं इसके बारे में, इसकी नियुक्ति, उससे पहले देखते हैं कि यह किस आर्टिकल में आता है। यह आता है आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 76 के अंदर यह आता है। क्या है यह, महान्यायवादी हमारा सलाहकार है सरकार का, इंडिया का विधि अधिकारी जो होता है सबसे बड़ा वह महान्यायवादी होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अब आगे 76 नंबर की, 76 नंबर में क्या लिखा है, जो इसकी क्या होगी नियुक्ति, इसकी जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा होगी, इसकी जो नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा होगी, किसके एडवाइस पर होगी, तो प्रधानमंत्री के एडवाइस पर होगी, ठीक है, उनकी सलाह से होगी, यह होगी इसकी नियुक्ति के बारे में। अब कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है इनका, कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक यह अपने पद पर रह सकते हैं। दूसरी फिर बात करते हैं इसकी क्या योग्यता, इसकी योग्यता जो महान्यायवादी है उसकी योग्यता क्या होती है, इसकी योग्यता होती है जो हमारा जज होता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके बराबर योग्यता रखने वाला जो होगा वह हमारा क्या होगा, महान्यायवादी बनने के लायक हो सकता है। तो इसकी क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या होती है एलिजिबिलिटी, पहली चीज नागरिक होना चाहिए, कहाँ का, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसके बारे में, दूसरा होएगा 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज हो, अगर ये नहीं है तो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट के अंदर क्या हो, किसी हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज हो, या 10 साल तक कहीं पर क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो, ठीक है, या इसका होगा, यह एलिजिबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए, किसके अंदर, हमारे महान्यायवादी के अंदर यह एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यह इसकी, सॉरी, यह इसकी होगी किसके, हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज की। अब महान्यायवादी की है तो महान्यायवादी के लिए एक चीज और ऐड हो जाती है इसके अंदर, क्या ऐड हो जाती है, वो ऐड होती है क्या, यह जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति है उनकी नजर में, राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा ज्ञाता हो, ठीक है, क्यों, कानूनी सलाह इनसे ली जाएगी, तो कानून के बारे में इसको अच्छी नॉलेज हो, किसकी नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में इसको अच्छी नॉलेज हो, तो वह इन एलिजिबिलिटियों को नहीं देखेगा, अगर अच्छा है तो राष्ट्रपति उठा के इनको कहाँ लगा देंगे, महान्यायवादी पद पर इनको नियुक्ति कर देंगे, ठीक है। यह होगी क्या इनकी योग्यता। आगे इसके बारे में क्या देखते हैं, आगे इसके बारे में देखते हैं जो इनका कार्यकाल है, कार्यकाल क्या है, कार्यकाल इनका देखा ही था हमने क्या, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, कार्यकाल पर अगर त्याग पत्र की बात करें, त्याग कब से कर सकते हैं, पत्र नहीं त्याग, त्याग कैसे हो सकता है इनका कार्यकाल का,
या तो राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति चाहे जब हो सकता है, दूसरा कब हो सकता है, या खुद रिजाइन दे दे या त्याग पत्र दे दे। दूसरा रीजन ये पहला हो जाता है, राष्ट्रपति चाहे जब, दूसरा हो जाता है त्याग पत्र दे दे जब, तीसरा क्या है, जब मंत्रिपरिषद, जो हमारी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद अगर त्याग पत्र देती है तो यह भी इनकी पोस्ट भी खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही यह आते हैं, ठीक है। यह होगा इनके कार्यकाल के बारे में। आगे देखते हैं हम क्या, आगे जो 88 नंबर आर्टिकल है, 88 नंबर आर्टिकल में क्या लिखी हुई है इनकी शक्तियाँ। 88 नंबर आर्टिकल में सिर्फ इन्हीं की नहीं, 88 नंबर आर्टिकल में जो शक्तियाँ लिखी है किस किस की, मंत्रिपरिषद की, और दूसरा हमारे मान्यवादी, ठीक है। इन दोनों की जो शक्तियाँ लिखी हुई है वह किस में लिखी हुई है, आर्टिकल आर्टिकल नंबर 88, आर्टिकल नंबर 88 के अंदर क्या चीज़ है। पहली, इनके बारे में देखते हैं, मान्यवादी के बारे में पहली कंडीशन क्या है। पहली ये है, यह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, चाहे लोकसभा को राज्यसभा को, ये सदन में जाके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, संसद में भाग ले सकते हैं। दूसरा क्या है, भाग लेने के साथ ही ये बोल भी सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। बस इसमें कंडीशन रहेगी तो क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि ये वहाँ पर मत नहीं डाल, वोटिंग नहीं कर सकते, मत नहीं डाल सकते, ठीक है, वोटिंग नहीं कर सकते। जो इनकी जो हमारे संसद के अंदर है, जो इनके अधिकार में क्या चीज़ नहीं आती, बस एक यही नहीं आती कि यह वहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकते, भाग तो ले सकते हैं, ठीक है, यह हो गया इनका। आगे क्या हो जाता है, एक और इनके अंदर यह हो जाता है जो इनकी शक्तियों में आता है भाई, यह जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया की, भारत की किसी भी अदालत के अंदर सुनवाई कर सकते हैं, ठीक, किसी भी अदालत के अंदर यह सुनवाई कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी अदालत के अंदर, ठीक है। यह हो गई इनकी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा। अब देख लेते हैं इनके थोड़े कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है इनको, क्या कर्तव्य है काम करने के लिए, वो यह है। पहला आ जाता है, जो राष्ट्रपति काम देते हैं उसके ऊपर ये सलाह दे सकते हैं, ठीक है। पहले क्या है, राष्ट्रपति के काम पर क्या ये है, सलाह देंगे। दूसरा क्या हो जाता है, राष्ट्रपति जी ने जो काम दिया है उनका पालन करेंगे, राष्ट्रपति ने जो काम दिया उनका पालन भी करेंगे। तीसरा क्या हो जाता है इसके अंदर, तीसरा यह हो जाता, पहला हो गया सलाह, दूसरा क्या हो गया, पालन करेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा इसके अंदर, जो भी राष्ट्रपति काम देता है, काम जो चलते हैं उनको कैसे देखेंगे, संविधान के और जो अन्य विधि है उनके अकॉर्डिंग वह काम सही है या नहीं है, वह चीज़ कौन देखते हैं, जो हमारे मान्यवादी है, या इनके कर्तव्य है क्या। राष्ट्रपति जो सलाह देंगे, राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकता है, कानूनी सलाह, राष्ट्रपति ने जो काम दिया उनका पालन करेंगे, और तीसरा जो भी राष्ट्रपति ने काम दिया है उनका सरकारी संविधान और अन्य विधि के द्वारा चेक करेंगे कि भाई जो ये काम हम करने जा रहे हैं वह विधि के अकॉर्डिंग, कानूनों के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, यह क्या है इनके कर्तव्य है, ठीक है, यह हमारे मान्यवादी के क्या है, कर्तव्य है, ठीक। आगे चलते हैं, इनके कुछ लिमिटेशन भी हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, मर्यादा, कुछ मर्यादाएं हैं, क्या है वह। पहली चीज़ तो यह है भाई, अगर इनको अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी करनी है, यानी यूं ही नहीं है ये भारत के ही केस लड़ेंगे, इंडिया के ही जो मंत्री, जो इंडिया के ही जो केस वगैरह चलते हैं उनके बीच में ही सलाह देंगे, अगर ये अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, यानी और कोई केस भी लेना चाहते हैं, तो यह जो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर उनकी अगर हाँ भरते हैं तो यह ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई अपनी पर्सनल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यह कर सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या आ जाता है इसके अंदर, दूसरा यह आ जाता है, जो पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल प्रैक्टिस होगी। दूसरा है, जो पर्सनल प्रैक्टिस ये कर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई आपराधिक मामला आता है, तो आपराधिक मामला यह जब भी उसके लिए जो लड़ सकते हैं, कब लड़ सकते हैं, अगर इनको मंत्रिपरिषद अनुमति देता है तो, ठीक है, या राष्ट्रपति अनुमति देता है तो ही यह किसी आपराधिक मामले के पीछे, आपराधिक आपराधिक जो मामले हैं उसके पीछे जब भी यह लड़ सकते हैं, वरना नहीं लड़ सकते। क्या हुए, काम कर सकते हैं, लेकिन किन के अकॉर्डिंग करेंगे, हमारे
हमारे राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग यह काम करेंगे। ठीक है, यह हो गया इसका। अब आगे इनकी एक और मर्यादा है, वह क्या है? वह यह है, थर्ड, यह किसी भी परिषद, ठीक है, किसी भी परिषद या किसी भी कंपनी में किसी पद पर नहीं जा सकते। कब तक? जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती या मंत्रिपरिषद की अनुमति नहीं होती, जब तक यह किसी और संस्था का, किसी परिषद का पद ग्रहण नहीं कर सकते। यह हो जाते हैं इनकी लिमिटेशन। यह हो गया हमारा मान्यवादी के बारे में। एक थोड़ा सा एक टॉपिक और है क्या, जो हमारा मान्यवादी है उनकी हेल्प के लिए एक एक पोस्ट और अपॉइंट की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल की एक पोस्ट है, वह महान्यायवादी के हेल्प करने के लिए, उनके कामकाज को बटाने के लिए एक पोस्ट और रखी जाती है जो इनके नीचे काम करता है। क्या बोलते हैं उसको? सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। अब देख लेते हैं महान्यायवादी। तो हमारे फर्स्ट जो महान्यायवादी थे वह कौन थे? फर्स्ट जो हमारे महान्यायवादी थे वह थे हमारे क्या, एमसी तलवार। 1950 से लेके 63 तक एमसीसी तलवार एक ऐसे महान्यायवादी थे हमारे, क्या थे? महान्यायवादी थे एक हमारे, जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था वो इन्हीं का रहा था। आज तक इनके जितना लंबा कार्यकाल किसी का भी नहीं रहा। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर क्या आता है, जो अब करंट में जो हमारे हैं, करंट में जो है, कब से? 2017 से जो हमारे महान्यायवादी हैं वह कौन है? वह हैं वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल है जो हमारे करंट में क्या है, महान्यायवादी है। ठीक है, तो यह था हमारे महान्यायवादी के बारे में कुछ जानकारी। कैसी लगी आपको यह जानकारी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।